आप मुझ पे यकीन क्यों नहीं कर रहे खान बाबा? मैं जो बोल रही हूँ मैं सच बोल रही हूँ। आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रही है रोशनी? कि मेरे लिए आपसे बढ़कर और कोई नहीं है। आलिया मेरा पास्ट है। पास्ट है तो फ्लैशबैक में रहना चाहिए ना, क्यों बार बार प्रेजेंट में घुस रहा है? रोशनी आलिया कुछ नहीं कर रही, और अगर कुछ कर भी रही है तो एक क्या हजार आलिया भी हम दोनों के बीच में नहीं आ सकती। क्या है? अभी वो आलिया ब्राइडल आउटफिट में थी। आलिया बिल्कुल नॉर्मल कपड़ों में थी रोशनी। रोशनी प्लीज, आप ये आलिया को गलत साबित करने की जिद छोड़ क्यों नहीं देती? वो इंसान है, कोई जिन नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं खान बाबा, आलिया जिन नहीं है, पर वो भी नहीं है जो आप समझ रहे हैं। एक्चुअली वो रोशनी, मैंने आप पर यकीन करने का वादा किया था, अब एक वादा मैं आपसे चाहता हूं कि आप मुझे खुद पर यकीन करने का मौका देंगे। जब तक आपके पास आलिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं आ जाता, आप उस पर इल्जाम लगाना बंद करेंगे। ठीक है खान बाबा, अब मैं इस बारे में बात तभी करूंगी जब मेरे पास सबूत होगा। पहला शौक तो ये है कि एक दूसरी आयाना भी है, और दूसरा शौक ये है कि वो बुरी आयाना है, और एकदम सच्चे विलन्स की तरह उसने अपने आप को निकनेम भी दिया हैवाना, जिसमें हैवान की रूह होती है। रोशनी, आयाना बहुत खास होती है। आयाना की ताकतें अल्लाह का तोहफा है, लेकिन इन ताकतों का कैसे इस्तेमाल करना है ये आयाना की अपनी मर्जी होती है। जिस तरह इंसान और जिन्नात अच्छे बुरे दोनों होते हैं, वैसे ही आयाना भी। आर्या ने नेकी की जगह बुराई और लालच को चुना, इसीलिए वो आयाना से हैवाना बन गई, एक बहुत ही ताकतवर और खतरनाक हैवान। वही तो ताबी थी, इसीलिए उसका प्लान पंक्चर करना भी बहुत मुश्किल होगा। खान बाबू को लगता है वो दिल की बहुत अच्छी मासूम बेचारी मुसीबतों की मारी बहुत प्यारी लड़की है, पर मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि वो एक्चुअल में एकदम लुच्चीला फंकी टाइप की लड़की है। देखो रोशनी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, जिस तरह तुमने सच को जाना है उसी तरह तुम सच को सामने भी ले आओगी, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि खान बाबा बेबी से बहुत अटैच हो गए हैं, वो हैवाना वो अपने बेबी को यूज कर रही है। और शायद टेस्ट में कुछ भी आया, मेरा दिल जानता है खान बाबा उस बेबी के फादर हो ही नहीं सकते, और आलिया को हराने के लिए मुझे यही बात सबसे पहले प्रूफ करनी होगी। रोशनी, पर अमन ने खुद इस बात को माना है कि उसके और आलिया के बीच में रिश्ता था, और डीएनए टेस्ट में भी आलिया की बात सच निकली है, तो फिर तुम्हें क्यों शक है? ऐसी मेरी आयाना सेंस कहती है ताबी जी, जब आलिया हर बात के बारे में झूठ बोल रही है तो ये बात सच्ची कैसे हो सकती है?
मुझे झूठ खान बाबा के सामने लाने का तरीका ढूंढना ही होगा। आप लोगे छोटू? खाओगे? मिस्टर छोटू? अरे पाइनएप्पल पक्का? प्लीज प्लीज खा लो बेबी। बेबी प्लीज खा लो। खा तो लो यार, कितना खाऊं? अरे बेबी, वो तुझसे नहीं उस बेबी से बात कर रहे हैं। बेबी तो भूल जाती है। आलिया जी? हाँ। अब तो इस बेबी का नाम रखना ही पड़ेगा। मुझे भी ऐसे लगता है कि बेबी की नेमिंग सेरेमनी दोबारा होनी चाहिए। दोबारा? अब आई मीन बेबी के लिए ये सब करने को मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहती हूँ। नहीं आलिया, तुम किसी को भी फोर्स नहीं कर रही हो। इस घर पर, इनफैक्ट हम सब पर अब बेबी का भी हक है। तुम्हें पता नहीं हम सब कितने खुश हैं कि बेबी सही सलामत अपने घर वापस आ गया, है ना परवीन? हाँ अम्मी, मैं तो इतनी खुश हूं कि आप सोच भी नहीं सकती। जब भी इस बेबी को सही सलामत देखती हूँ, मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। पर हमें अभी तक ये नहीं पता चला कि बेबी को किसने किडनैप किया और क्यों किडनैप किया। आलिया, अब इन बातों से क्या फर्क पड़ता है कि बेबी को कौन ले गया था? बेबी सही सलामत है, हमारे लिए यही बहुत है। नहीं अम्मी, ये तो पता करना पड़ेगा कि बेबी को आखिर खतरा क्यों है और किससे है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि बेबी नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता। एग्जैक्टली, इसीलिए हमें बेबी की नेमिंग सेरेमनी करनी है। नेमिंग सेरेमनी तो फिर आज ही शाम को कर लेते हैं। या आज शाम को तुम्हारी नेमिंग सेरेमनी है। बाय बाय रोशनी। हाँ? सुना ना तुमने, आज शाम को बेबी का नेमिंग सेरेमनी है। नाम चाहे जो भी हो, नाम के पीछे अमन जुनैद खान जरूर लगेगा। और बात सिर्फ यही नहीं रुकेगी, बहुत ही जल्द मैं भी आलिया अमन जुनैद खान बन जाऊंगी। अल्लाह नोज बेस्ट। जब बी ग्रेड आया ना किसी और के घर पे फ्री फंड में हैवी लंच खाती है ना, तो इसको ना नींद नहीं आती, सीधा सपने आते। और आलिया, तुम्हें पता है ना सपने और सच में कितना डिस्टेंस होता है। बस उतना ही जितना अब में और शाम में, और शाम तक तो कुछ भी हो सकता है ना। कौन रोकेगा मुझे? तुम? नहीं नहीं, तुम्हारी पप्पी। ऑब्वियस ही बात है आलिया, अगर मैं डायलॉग्स बोल रही हूँ इतनी लंबे लंबे तो कौन रोकेगा तुम्हें। सारा, देख लेंगे। देख लेना। क्या बात कर रहे थे आप दोनों? कुछ नहीं, वो बस शाम की तैयारियां डिस्कस कर रहे थे। आई मीन बेबी आलिया का है ना, तो सब कुछ उसकी पसंद का ही होना चाहिए, तो बस राइट। दो घंटे में स्नैक्स की सारी तैयारी हो जाएगी। देख लीजिए मैं हूं। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये ले। अरे रोशनी, आज बेबी की नेमिंग सेरेमनी है ना, तो हमने सोचा कि पूरे घर में सबकी बेबी पिक्चर्स लगा के डेकोरेट करेंगे। थैंक गॉड मिस्टर बेबी आ गए, वरना सब लोग मुझे बेबी का ट्वीट करते रहते। अब आप मिस्टर छोटू से मिस्टर बिग ब्रदर हो गए। यस। ये देखिए मेरी बचपन की फोटो। देखा?